साउथ अफ्रीका की टीम में अगर बात की जाए, पिछली भारतीय टीम जो इंटरनेशनल सीरीज खेली थी उसमें से क्या हो सकते हैं बदलाव जो जाएगी साउथ अफ्रीका के सामने खेलने, क्योंकि आईपीएल के बाद हो रहा है कार्यवंश और दो मेजर बदलाव जिसकी की जा रही है बातचीत, ये बदलाव होंगे दीपक चहर और वेंकटेश अय्यर की जगह। क्या है वो बदलाव बताएंगे आपको इस वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। क्रिकेट इन इंडिया का यूट्यूब पेज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ लक्षित। सबसे पहले आपको बता दें दीपक चहर 14 करोड़ में खरीदे गए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में। पहले खबर आती है आईपीएल का कुछ हिस्सा मिस करेंगे, लेकिन उसके बाद हम क्या देखते हैं पूरे ही आईपीएल से बाहर कर दिए गए हैं और लगभग 3 महीने तक ये खिलाड़ी नहीं खेल सकता है, जिस बीच में एक तेज गेंदबाज की कमी होगी महसूस। दूसरे नंबर पे वो खिलाड़ी जिसकी तो आईपीएल में परफॉर्मेंस बद से बदतर ही होती जा रही है, यहाँ हम बात कर रहे हैं वेंकटेश अय्यर की। भला आप उनसे ओपनिंग करवा दीजिए, भला आप उन्हें मिडल ऑर्डर में ले आइए, भला आप उन्हें फिनिशिंग करवा लीजिए, कोलकाता के लिए ये खिलाड़ी बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, जो रह रहा है एक सिनेरियो। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि साउथ अफ्रीका के दौरे के लिए इन दोनों खिलाड़ियों की रिप्लेसमेंट कौन से दो खिलाड़ी हो सकते हैं। जहाँ पे आपको बता दिया जाए दो ही नाम यहाँ पे आते हैं सामने। सबसे पहले दीपक चहर की जगह आएंगे द फर्स्ट एक्सप्रेस उमरान मलिक, क्योंकि तेज गेंदबाजी में इस खिलाड़ी के अलावा किसी और ने ज्यादा इंप्रेस नहीं किया है। हालांकि टी नटराजन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन उमरान मलिक की गति उन्हें करती है कुछ ज्यादा इंप्रेस और हमारी लिस्ट में रखेगी उन्हें टी नटराजन से आगे, जो दीपक चहर को कर सकते हैं रिप्लेस। दूसरा नाम आता है वेंकटेश अय्यर की जगह कौन आएगा, वहां पे एक ही खिलाड़ी जो इंजरी के चलते 2021 में इंटरनेशनल क्रिकेट से अलविदा कह गया था, अब करेगा वापसी हार्दिक दमदार पांड्या, क्योंकि दमदार ये खिलाड़ी है, दमदार इस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस आ रही है। बतौर गुजरात के कप्तान गेंद के साथ बल्ले के साथ दोनों के साथ किया है इन्होंने इंप्रेस, और भारतीय क्रिकेट टीम में जो एक मिसिंग होल था उसे भर देंगे यहाँ पे हार्दिक पांड्या, जब वो करेंगे साउथ अफ्रीका के सामने वापसी, बस उन्हें कोई इंजरी ना हो जाए जिसके ऊपर रहेंगी हमारी नजरें। आप बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन से और खिलाड़ी हैं जिन्हें मौका देना चाहिए साउथ अफ्रीका के सामने, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए क्रिकेट इन इंडिया के यूट्यूब चैनल को, जानने के लिए आईपीएल और क्रिकेट से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट, वो भी सबसे पहले।